तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें एक बेसिक डिटेल आपको कम्प्लीटली शेयर करूंगा कि साइट का पहला दिन आप लोगों की लाइफ में कैसे जाएगा वो डिसाइड करेगा ये टॉपिक जो कि मैंने आप लोगों लेकर आया हूं, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन ये जब भी हम साइट पर पहुंचते हैं सबसे पहला टॉपिक होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है सभी सिविल इंजीनियर्स को आगे बढ़ाने की। तो आज मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा यूनिट कन्वर्जन के बारे में कि फिट से इंच, इंच से मीटर, मीटर से एमएम कैसे जाएंगे उसके बारे में कंप्लीट टेप पर कंप्लीटली प्रैक्टिकल डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, साथ के साथ सब्सक्राइब करो, जिससे आपको साइट पर रहते हुए साइट पर चीजें सीखने के लिए आपको कंप्लीटली डिटेल में बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करो, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे सिविल इंजीनियर्स के रिगार्डिंग, जो भी सिविल गुरुजी के चैनल में सबसे पहले आएंगी आप लोगों के पास। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में सबसे पहले जो मैं दो फैमिली ले रहा हूं, पहली फैमिली रहेगी फिट, इंच और सूत की, और दूसरी फैमिली रहेगी मीटर, एमएम और सेंटीमीटर की। दोस्तों यहां पर मेरे पास एक टेप है, आपको मैं दिखाऊंगा टेप। दोस्तों ये टेप आ गया मेरे पास। इस टेप को जैसे ही मैं स्ट्रेच करूंगा, यहां से मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने में यहां पे मुझे 1, 2, 3, 4 गैप में दिखाई दे रहे हैं, मतलब 1 के बाद 2 में थोड़ा गैप है, 3 to 4 में और ज्यादा गैप है, मतलब वो गैप मेंटेन है आगे तक। तो दिस इज द फैमिली ऑफ फिट, इंच और सूत। लेकिन आप नीचे देखेंगे, नीचे 1, 2 एकदम पास पास में है, 3, 2, 4 एकदम पास पास में है। तो दिस इज द फैमिली ऑफ मीटर, सेंटीमीटर एंड एमएम। तो जो ऊपर फैमिली होती है स्टील टेप के अंदर, क्योंकि ये टेप आपको पहले दिन मिलने वाला है, जब भी आप साइट पर जाएंगे तो जब भी आप टेप में देखें तो ऊपर वाला परिवार है फिट, इंच और सूत का, और नीचे वाला परिवार है मीटर, सेंटीमीटर, एमएम का। तो दोस्तों ये तो हुई बेसिक बातें, अब मैं यहां पर लिखकर बताऊंगा आप लोगों को कि फिट, इंच और सूत में कैसे यहां पर कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर लिखा मैंने फिट, देन सेकेंडली यहां पर लिखा मैंने इंच, और यहां पर लिखा मैंने सूत। ये तीन मैंने मेंबर लिखे अपनी ऊपर वाले फैमिली के, जो ऊपर हमें फैमिली में मेंबर दिए गए थे। अब यहां पर दूसरी तरफ में मेंबर लिख रहा हूं मीटर, सेंटीमीटर और एमएम। दिस इज मेंबर ऑफ, जो बॉटम में हमें फैमिली दी हुई थी उसके तीन मेंबर हैं मीटर, सेंटीमीटर और एमएम। ये मैंने उनके बड़े मेंबर, जो बड़ी यूनिट है फिट, उसके अनुसार नीचे की तरफ मैंने नीचे के क्रम में यहां पर लिखा है। दोनों ही फैमिली में एक बात कॉमन है, वो कॉमन बात क्या है कि यहां पर इंच रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फिट वाली फैमिली को, जो 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 दिए गए हैं, दैट इज द फैमिली ऑफ इंच। तो दोस्तों आपके जो मेजरिंग टेप है, उस मेजरिंग टेप में जो आपकी फिट, इंच और सूत की फैमिली को रिप्रेजेंट करा रहा है, उनका मिडल टर्म इंच, और सेम ऐसे ही मीटर, सेंटीमीटर और एमएम की फैमिली में जो रिप्रेजेंट करा रहा है वो उनके मिडल टर्म। तो दोनों में एक बात कॉमन थी कि टेप के अंदर चाहे ऊपर फैमिली हो फिट, इंच और सूत, और नीचे फैमिली हो मीटर, सेंटीमीटर और एमएम, उनके मिडल टर्म ही क्या करा रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करा रहे हैं टेप के अंदर। तो दोस्तों ये बातें हमें समझ में आ गई। इसके बाद हम समझते हैं एक छोटी सी बात जो सभी को पता है कि एक फिट में कितने इंच। लेकिन उससे पहले एक चीज समझते हैं, फिट को डिनोट कराते हैं सिंगल डैश से, इंच को डिनोट कराते हैं डबल डैश से, और सूत को डिनोट कराते हैं ट्रिपल डैश से। तो जब भी मैं सिंगल डैश लिखूंगा तो समझ जाना फिट है, डबल डैश लिखूंगा तो समझ जाना इंच है, और ट्रिपल डैश लिखूंगा तो समझ जाना सूत है यहां पर। तो एक फिट में सभी को पता है कितने इंच होते हैं दोस्तों, 12 इंच होते हैं। और एक इंच में कितने सूत, एक इंच में कितने सूत कौन बताएगा, पूछो पूछो कौन बताएगा, टेप बताएगा, कौन बताएगा, टेप बताएगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर मेजरमेंट टेप ले ली फिर से अगेन, और मेजरमेंट टेप में आप लोग देखेंगे 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक दिया हुआ है। 12 का मतलब एक फिट यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे 11 से 12 या 13 से 14 सभी के बीच में छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही है आपको। आप भी साथ में ऐसी टेप लेके बैठिए और आप भी देखिए 13 से 14 के बीच में भी सेम पैटर्न है, 14 से 15 के बीच में भी सेम पैटर्न है, 16 17 के बीच में भी क्या है, सेम पैटर्न यहां पर दिखाई दे रहा है हमें टेप के अंदर। तो दोस्तों यहां पर मैं वो पैटर्न बताता हूं आपको पैटर्न कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहां पर 21 और यहां पर लिख दिया 22। 21 के बाद आप लोग देखेंगे एक छोटी सी लाइन है यहां पर, इस तरह से एक छोटी सी लाइन दी गई है। 21 के बाद एक छोटी सी लाइन है, और इस छोटी सी लाइन के बाद क्या है आप देखेंगे जाकर उसके अंदर एक बड़ी लाइन दी गई है, ऐसी पैटर्न है कुछ। इसके बाद एक और छोटी लाइन दी गई है आपको,
फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग एक और बड़ी लाइन है यहां पर, देन अगेन एक और छोटी लाइन हो गई यहां पर, अगेन एक बड़ी लाइन और आ गई यहां पर, फिर एक छोटी लाइन है यहां पर, और इस बार जो लाइन आई है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहां पर। अभी बताऊंगा आप लोगों को कि लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं पैटर्न, क्योंकि यहां से पैटर्न यदि समझ गए तो आप ट्रिक समझ जाएंगे, बहुत इजी ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। फिर एक और छोटी लाइन है यहां पर और एक बड़ी लाइन अगेन यहां पर आ गई, लेकिन इससे छोटी लाइन ये, देन एक छोटी लाइन है अगेन और एक बड़ी लाइन आ गई यहां पर, देन अगेन छोटी लाइन है एक और एक बड़ी लाइन है यहां पर, एक लास्ट में एक छोटी लाइन है, और उसके बाद जो लाइन है उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 22, और ये बड़ी लाइन कुछ इस तरह से यहां पर दी गई है। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं, आप देखेंगे 22 जो दिया हुआ है वो यहां पर कुछ इस तरह से दिया हुआ, लाइन थोड़ा सा बड़ा आई है कुछ। ये पैटर्न आपको 21 से 22 में, 22 से 23 में, 24 से 25 में, सभी में सेम दिया हुआ है, वो आप समझे है क्या ये। देखिए 21 से लेके जो छोटी लाइन दी गई रेड कलर से जो रिप्रेजेंट करे, डेट इज कॉल्ड हाफ सूत, इसका मतलब क्या है आधा सूत है ये, और इस आधी लाइन से और ये जो पूरी लाइन है ये भी क्या है हाफ सूत रिप्रेजेंट कर रहा है, आधा और आधा मिलकर क्या बनता है दोस्तों एक सूत बनता है, तो ये हो गया एक सूत। जितनी भी मैंने ब्लू लाइन यहां पर बनाई है वो एक सूत को रिप्रेजेंट करा रही है, और जो रेड पेंसिल कराया है वो है हाफ सूत। अब यहां पर हाफ और हाफ मिलकर हुआ ये दो सूत, यहां पर तीन सूत, इस तरह से ये चार सूत। अब ये चार सूत तो बड़े लाइन क्यों आई थी, क्योंकि आधा मतलब 21 से 22 के बीच में 0.5 मतलब 20.05 कहूंगा, तो ये चार सूत यहां पे कहलाएगा। ये हो गया पांच सूत, ये हो गया यहां पे छह सूत, ये हो गया यहां पे सात सूत, और ये 22 नंबर वाला हो गया आठ सूत। तो एक इंच के अंदर देखिए 21 से 22 क्या था एक इंच था, एक इंच के अंदर कितने सूत हो गए आठ सूत, तो यहां पे हमें क्लियरली समझ में आया एक इंच के अंदर होते हैं आठ सूत। तो दोस्तों यहां पर हमें एक बात यहां पे क्लियरली समझ में आई कि फिट से जाएंगे इंच की ओर, समझिए ध्यान से, फिट से जाएंगे इंच की ओर, तो एक फिट में होते हैं 12 इंच, दो फिट में 24, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 24, तीन फिट में कितने इंच होंगे 36, क्यों, क्योंकि आपने कर दी मल्टीप्लाई, तो आपको करना पड़ेगा यहां पे 12 से मल्टीप्लाई, फिट से जाएंगे इंच की ओर। देखिए ट्रिक समझिए, फिट बड़ी यूनिट, इंच छोटी यूनिट, फिट से इंच में मल्टीप्लाई, और अगर मैं इंच से वापस फिट में जाऊंगा, देखिए बड़ी यूनिट से छोटे में आऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, और छोटे यूनिट से बड़े में जाऊंगा तो क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, कितने का डिवाइड करूं, जितने का मल्टीप्लाई करा उतने का ही डिवाइड हो जाएगा। यदि मुझे कभी भी यूनिट कन्वर्जन में बड़े यूनिट से लेके छोटे यूनिट में आना हो तो मल्टीप्लाई करूंगा, और छोटे यूनिट से बड़े में जाऊंगा तो क्या करूंगा डिवाइड। अब एक इंच में कितने सूत निकल के आए आठ सूत, तो मुझे दो इंच में कितने होंगे 16, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तीन इंच में कितने सूत होंगे 24, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहां पे क्या करना पड़ा 8 से मल्टीप्लाई, इंच बड़ी यूनिट है और सूत छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटे में आऊंगा तो करूंगा मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से बड़े में जाऊंगा तो यहां पे करूंगा डिवाइडेड बाय 8। तो ये थी एक स्मॉल ट्रिक जो कि मैंने फिट इंच और सूत की फैमिली में आप लोगों को क्लियरली बताई है यहां पर। अब चलते हैं दूसरे परिवार की ओर, मीटर सेंटीमीटर और एमएम की ओर। तो दोस्तों अभी आपने देखा फिट इंच और सूत के परिवार में हमने कैसे उसका यूनिट कन्वर्जन सीखा, अब जाएंगे मीटर सेंटीमीटर और एमएम की ओर। जैसे कि आप लोगों को पता है एक मीटर में होते हैं कितने सेंटीमीटर, कौन बताएगा, टेप बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, टेप बताएगा, टेप से पूछिए। दोस्तों देखिए ये जो जैसा कि टेप मैंने स्ट्रेच किया यहां पे, जो नीचे वाला आपको परिवार दिख रहा है, ये जो परिवार है ये है आपका सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करा रहा है, मीटर वाला परिवार है ये। मीटर होती है बड़ी यूनिट, उससे छोटी होती है सेंटीमीटर, और उससे छोटा होता है एमएम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे एक से दो डेट इज 1 सेंटीमीटर, दो से तीन डेट इज 1 सेंटीमीटर, और आप इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं ये आपके एमएम है। यहां पर कितने एमएम होते हैं आप लोग यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए ये 10 एमएम, एक सेंटीमीटर में 10 एमएम हो रहे हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे जो रेड पेन से मार्क किया हुआ है ये है आपका 10 सेंटीमीटर,
आगे 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए यहाँ पर कंप्लीट? 1 मीटर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अभी मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर मतलब जो बीच में छोटे छोटे लाइंस बने हुए हैं वो कितने हैं? 10 बने हुए। तो 10 mm 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे पास 10 mm। अब दोस्तों यहां पर ये चीजें तो हमें आसानी से पता चल चुकी है क्योंकि हम बचपन से ये सब चीजें पढ़ के आ चुके हैं। अब मैं कहूं आपसे 2 मीटर तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब मीटर से सेंटीमीटर में आऊंगा तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100। सेंटीमीटर से mm में जाऊंगा तो अभी देखा हमने मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे? उतने का ही डिवाइड करेंगे। किससे? 100 से। सेम यहां पर डिवाइड करेंगे 10 से। तो ये तो एकदम आसान चीज मैंने आपको बता दी यहां पर। लेकिन अब कहानी स्टार्ट होती है। अब मैंने कहा कि 1 मीटर में बताओ मुझे कितने फिट होंगे। 1 मीटर में कितने फिट होंगे? कुछ लोगों का हो सकता है यहां पर आंसर आ जाए 3.28 फिट हो सकता है, लेकिन कैसे नहीं पता। वाई क्लियर होना चाहिए हमारा, हमारा रीजन पता होना चाहिए हमको कि कैसे यहां पर 3.28 फीट होंगे। कौन बताएगा? कौन बताएगा दोस्तों? पूछो। टेप बताएगा। टेप को फिर से स्ट्रेच करना है आपको, और टेप को स्ट्रेच करने पर आप लोग देखेंगे कि जहां आपको 36 दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने टेप को स्ट्रेच किया, टेप को स्ट्रेच करने पर आपको दिख रहा है यहां पर 36 मतलब 3 फिट। आप देखिए 1 मीटर कहां है? 1 मीटर यहां पर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया। आप लोग देखेंगे 36 मतलब 3 फिट, लेकिन चौथा फिट है 48 पे, तो 3 फिट तो आपका हो गया कंप्लीट, लेकिन चौथा फिट कंप्लीट नहीं हुआ। तो 1 मीटर में 3 फिट तो होते ही, तो समझ में आ गया हमको। इंच कितने होंगे? क्योंकि फिट सीट कहानी खत्म होगी, क्योंकि फिट आगे वाला तो काफी दूर पहुंच गया। कितने इंच होंगे? तो आप देखेंगे 37, 38 और 39। यदि 40 की बात करूं तो 40 बड़ा हो जा रहा है क्योंकि 1 मीटर उससे पहले हो गया खत्म यहां पे। तो कितने ये? 1, 2 और 3 इंच। तो यहां पर लिखूंगा मैं 3 इंच। जब इंच कहानी भी खत्म हो गई, अब कहानी किसकी बची है? सूत की कहानी बची। तो आप लोगों को काउंट करने कितने सूत है और उससे मिलाइए आप, जो 1 मीटर है ना उस पे मिलाना है आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, तो आपने यहां पर देखा कि 1, 2 और 1, 3 तीन बड़ी लाइन है और यहां पर कंप्लीट हो जा रहा है हमारा क्या? 1 मीटर। तो यहां पर 3 सूत हो गए। तो यहां पर हमें समझ में आया 1 मीटर में 3 फिट 3 इंच 3 सूत होते हैं। आप लोगों के इंटरव्यूअर भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपका आंसर होता है 3.28 और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, तो आपको कहां पर क्या बताना है आंसर? 3 फिट 3 इंच 3 सूत होते हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर 3.28 होता है। कैसे? उसके बारे में यहां समझते हैं। देखिए 3 फिट 3 इंच 3 सूत लिख दिया मैंने आपको, ये मैंने बताया आपको सूत से जाना है इंच की ओर, सूत से जाना है इंच की ओर। तो एक सूत में इंच की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे यहां पर तो कुछ आंसर आएगा हमारा, तो आंसर आएगा दोस्तों यहां पर 0.375। अब ये क्या हो गया? हम सूत से चले थे लेकिन पहुंच गए इंच में। कैसे? 8 से डिवाइड करके। तो यहां पर सिंगल डैश लगाऊं या डबल डैश लगाऊं? इंच को किससे डिनोट कराते हैं? डबल डैश। तो यहां पर लगाऊंगा मैं डबल डैश। अब इसके बाद डबल डैश तो मौजूद है पहले से हमारे पास, तो इसको यहां पर लाकर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 3.375, क्योंकि हमने जब ऐड करा तो 3.375 इंच हो गया ये। अब आप लोगों को पता है इंच से फिट की ओर जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ता है। तो इसका मैं कर देता हूं डिवाइड यहां से 12 से, तो आंसर आता है 0.281। क्या आंसर आता है? 0.281, क्योंकि इंच से गए हम कहां पे? फिट में। तो दोस्तों यहां का जो आंसर है वो मैंने यहां पे लिख दिया 0.281 फिट, और 3 फिट पहले से मौजूद है। मैं इस 3 फिट को यहां पे लाके मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? 3.281 फिट। ये एक्चुअल में आंसर यही है, लेकिन हमें जब इंटरव्यूअर को बताना है तो क्या बताना है? 3 फिट 3 इंच 3 सूत। तो आप लोगों ने देखा 3.281 फिट कैसे होता है, तो 1 मीटर में होते हैं 3.281 फिट। देखिए दोस्तों अब यहां से कहानी बदलते हैं। मान लीजिए आपके साइट पर आपको ड्राइंग मिली, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग में एक बात कॉमन होती है, वो दोनों ही काम करते हैं एमएम में, लेकिन आपके जो साइट पर वर्कर हैं, आपके साइट पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो काम करते हैं किसमें? फिट इंच और सूत में। बीच में आप हैं सिविल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आप हैं मीडिएटर, वर्क करते हैं दोनों के बीच में, एक माध्यम है आप।
तो दोस्तों आप यहां से ड्राइंग लेंगे और बीच में कन्वर्ट करेंगे और आंसर दे देंगे इनको। फॉर एग्जांपल यहां पे इन्होंने कहा 100 mm का पीसीसी कराना है आपको, तो यहां जाके आपको कहोगे 100 mm का पीसीसी करवाना है। ये कहेंगे क्या भैया क्या कह दिया 100 mm का पीसीसी कैसे करूं, क्योंकि 100 mm का पीसीसी नहीं जानते ये, क्या जानते हैं 4 इंच का पीसीसी। मतलब आप आंसर दे रहे हो इनको इसमें, लेकिन ये नहीं जानते, ये जानते हैं ये। अगर आपको लेबर से कॉन्ट्रेक्टर से काम कराना है तो आपको इस भाषा में बात करनी पड़ेगी, यदि आपको इंजीनियर आर्किटेक्चर से बात करनी है तो इस भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये आपको पहले ही समझना है, इसलिए बीच में जो आप मीडिएटर है आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना आना चाहिए यहां पर। तो दोस्तों आपने यहां से लिया 100 mm, यहां पर आपको 100 mm नहीं बोलना है, यहां पर क्या बोलना है आपको 4 इंच। कन्वर्ट करने का तरीका यहां पर मौजूद है, जो स्मॉल ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, यहां से क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक मीटर में आया 3.28 फीट, मतलब 2 मीटर में कितना होगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 3.28 में, तो मीटर से यदि मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इधर से मैंने इसको हटाया, तो दोस्तों यहां पर मीटर से मुझे जाना है फिट में, तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 3.281। और अब मुझे यहां पर मैंने सुना कि 4 इंच की पीसीसी करवाई है, मुझे करवाना 4 इंच का पीसीसी। इन्होंने मुझे बोला कि सर 4 इंच का पीसीसी कराऊं या 8 इंच का, ड्रॉइंग में जाकर देखिए। अब मैं यहां से जाऊंगा ड्रॉइंग में देखने, तो ड्रॉइंग में लिखा हुआ है 200 mm का पीसीसी। कैसे पता करूंगा 200 mm का पीसीसी है, इसके लिए क्या करूंगा बीच में यूनिट कन्वर्जन, तो मैं फिट से इंच की ओर जाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाऊंगा तो डिवाइड, और बड़े यूनिट से छोटे में जाऊंगा तो मल्टीप्लाई। तो यहां पर डिवाइड कर दिया मैंने 3.281 फिट का। तो ये कंप्लीटली यूनिट कन्वर्जन इसलिए आना चाहिए हमको क्योंकि ड्राइंग में और जो डाटा दिया रहता है वो बिल्कुल ही अलग होता है जो हमें साइट पर एग्जीक्यूट कराना होता है, इसलिए ये कंप्लीटली पार्ट मुझे आना चाहिए। एक एज अ सिविल इंजीनियर पहले ही दिन जब भी साइट पर जाते हैं, पहले ही दिन हमारे पास में क्या आ जाती है, ड्रॉइंग्स आ जाती हैं, हमारे हाथ में क्या आ जाता है स्टील टेप आ जाता है जिससे हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। कोई नहीं सिखाता, कोई कॉलेज में नहीं सिखाते यूनिट कन्वर्जन, लेकिन पहले ही दिन आपको करना पड़ता है साइट पर जाने के बाद। यही डिफरेंस होता है एक स्किल्ड इंजीनियर और एक फ्रेश इंजीनियर में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लाता रहूंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।